तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ राजीव भवन के समीप सांकेतिक प्रदर्शन किया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मोदी सरकार की चुनावी ब्रांड योजना को रद्द करने के सर्वसम्मत फैसला का स्वागत करते हुए आभार प्रकट किया। इस मौके पर कांग्रेस के बस्तर संभाग प्रभारी प्रवक्ता जावेद खान ने कहा कि हमारे 2019 के लोकसभा घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम इस अपारदर्शी योजना को खत्म करने का इरादा रखते हैं, तो आज हमारा कहा सच हुआ है। वहीं चुनावी बांड योजना कुछ और नहीं बल्कि भाजपा द्वारा अपना खजाना भरने के लिए बनाई गई एक काला धन सफेद करो योजना थी। सही, कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस स्कीम का विरोध कांग्रेस पार्टी करते आई। कांग्रेस पार्टी ने सदैव कहा कि इस स्कीम के माध्यम से जो बड़े उद्योगपति हैं वो चंदे के नाम पर अपने काले धन को सफ़ेद बनाने का कार्य करेंगे, और जो कि संवैधानिक भी नहीं है यह स्कीम। आज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को, इस विरोध को समझा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो मोदी सरकार के इस चुनावी बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को पूरी तरह से असंवैधानिक